हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाइपरलेजर फैब्रिक क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइपरलेजर बेसिकली होता क्या है और हाइपरलेजर की लाइब्रेरी क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं। तो आपको बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। हाइपरलेजर क्या होता था, किसने सर्च किया था, सबसे बताइए पहले, लिनक्स ने। गुड। दूसरा क्वेश्चन, हाइपरलेजर को लिनक्स ने लाया था, तो लिनक्स को साथ कोलैबोरेशन किसने कर लिया था, आईबीएम ने, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड करते। गुड। आपको ये प्राइवेट परमिशन होता था। गुड। आपका अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी होती थी, ओपन सोर्स होता था, ठीक है, बहुत सारी चीजें। आपको आपका हाइपरलेजर क्या क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, क्या ब्लॉकचेन है नहीं है, ये चीजों आपको, आपके हाइपरलेजर को कौन सा फ्रेमवर्क होता था, आपको मैंने बताया था क्रेट होता था, आपके एवलॉन आपकी कंपोजर टूल्स होता था, आपका कंपोजर एक टूल्स होता था हाइपरलेजर का, और लाइब्रेरी होती थी जैसे एराइज, डांस्ड, उर्सा, ये सारी आपकी लाइब्रेरी होती थी। ये चीज बहुत अच्छे से मैं आपको दो वीडियो में बता चुका हूं। तो आज आपको जानूंगा हाइपरलेजर फैब्रिक होता क्या है, तो चलिए जानते हैं। आपको हाइपरलेजर के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो पॉइंट्स आपको पहले से आने चाहिए, तो आपको बता दूं कि जो आपको पहले से बता चुका हूं, तो हाइपरलेजर फैब्रिक भी आपको कंपोनेंट को क्या करता है, अलाउ करता है प्लग एंड प्ले के साथ। आपको ये भी प्राइवेट होती है, परमिशन लेनी होती है, क्योंकि हाइपरलेजर का एक पार्ट है ये, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हाइपरलेजर फैब्रिक फेमस किसके कारण हुआ था, आपकी सप्लाई चेन के कारण। यहाँ पर भी आपको सप्लाई चेन होगा, तो मैं ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी आपका। अब हाइपरलेजर फैब्रिक डीएलटी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, तो क्यों सपोर्ट करता है, रीजन कि आपकी, मान लीजिए सिंपल से समझिए, आप एक कंपनी में अप्लाई किए जॉब के लिए और वहां पर एचआर के पद के रिक्त स्थान था और आपने अप्लाई किया, आप गए, आपने बताया मेरे पास ये सारी चीज है, मैं ये सबसे पहले किया हूं, तो ये चीजों को वेरीफाई करता था कंपनी वाले, कैसे, आपका हाइपरलेजर फैब्रिक की सहायता से, ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताया, अब मैं इसकी सारी चीजों को एक एक समझ के समझाता हुआ चलता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा है इंटरप्राइज ग्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया क्या कि आपकी कंपनी, आप मान लीजिए एचआर का कोई एचआर या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी चीज को लिए एक जगह खाली है और आपने अप्लाई किया, आपकी चीजों को वेरीफाई करता था कंपनी किसकी सहायता से, आपके हाइपरलेजर की सहायता से। ये चीज समझ में आ गई। अब आपको मैंने बताया था हाइपरलेजर फैब्रिक इज वन ऑफ द पॉपुलर प्रोजेक्ट अंडर द अम्ब्रेला प्रोजेक्ट हाइपरलेजर। जो हाइपरलेजर का अम्ब्रेला प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी का, उसका वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट है कौन, हाइपरलेजर फैब्रिक। अब हाइपरलेजर फैब्रिक का जो थी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये सपोर्ट करता है। मैंने आपको डीएलटी के बारे में बहुत कुछ बताया, डिस्ट्रीब्यूट लेजर टूल, आपको डिजिटल मनी बताया था, उसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट लेजर की डीएलटी के बारे में बताने की बहुत कुछ कोशिश की थी, ठीक है। अब इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन सप्लाई चेन नेटवर्क। आपका जो यूज होता था हाइपरलेजर फैब्रिक का, कहाँ यूज होता सबसे ज्यादा, आपके सप्लाई चेन नेटवर्क में इसका एक्सटेंसिवली यूज होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताने वाला हो, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द फैब्रिक जो फैब्रिक को लाया था लेट का बाई आईबीएम वाज डिजाइन टू किस लिए, आपकी हाईली स्केलेबल, मतलब हाईली स्केलेबल, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ परमिशन, इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन इसको डिजाइन किसने किया था, आईबीएम ने। तो द फैब्रिक और द हाइपरलेजर फैब्रिक लेड बाय आईबीएम बाय डिजाइन टू डेवलप हाईली स्केलेबल ब्लॉकचेन एप्लीकेशन विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ परमिशन। आपके जो परमिशन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हाईली स्केलेबल आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने के कारण इसी किसने बनाया था, आईबीएम ने। द फैब्रिक वाज इंटेंडेड बाय फॉर द फैब्रिक वाज इंटेंडेड फॉर डेवलपिंग सॉल्यूशन विद अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जो आज के आर्किटेक्चर के बना सके, इस कारण से इसको लाया गया था, ठीक है। इट इज अ प्राइवेट एंड परमिशन ब्लॉकचेन। जो मैंने आपको बताया प्राइवेट है और चीज के लिए आपको परमिशन की जरूरत होती थी। हाइपरलेजर अलाउड कंपोनेंट टू बी प्लग एंड प्ले, जो आपके हाइपरलेजर अलाउ करता था कंपोनेंट, तो वैसे ही मैंने आपको बताया ये फैब्रिक भी वही चीजों को करता है। अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते थे इथेरियम में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता था सोलिडिटी लैंग्वेज का यूज करते, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते, तो वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें कौन सा होता था, चेन कोड, समझ रहे ना। ये चीजों को आपको समझना जरूरी है, पॉइंट लिख के भी जरूरी आना है। हाइपरलेजर फैब्रिक वाज मेंबरशिप
सर्विस प्रोवाइडर टू एनरोल मेंबर इनटू अ परमिशन नेटवर्क। आप परमिशन नेटवर्क में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप प्रोवाइड की जाएगी, वही जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उस नेटवर्क में एनरोल नहीं कर सकते। मतलब एक नेटवर्क बना है 25 लोगों का और आपको उसमें एनरोल करना है तो आपको मेंबरशिप सर्विस मिलेगी। जैसे सिंपल से समझिए, आप अमेजोन के यदि मूवी वीडियो कुछ देखना चाहते हैं तो आपको उसकी मेंबरशिप लेनी थी, उसके बाद उसकी सारी वीडियो को एक्सेस दे सकते थे। वैसे ही हाइपरलेजर फैब्रिक में आपको मेंबरशिप सर्विस मिलती है, उसके बाद ही आप उसमें परमिशन नेटवर्क में एक्सेस मिल सकता है। अब हाइपरलेजर फैब्रिक आपको ऑफर करता है एबिलिटी टू क्रिएट चैनल अलाउंग अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, आपके ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को अलाउ करता है क्रिएट अ सेपरेट लेयर ऑफ ट्रांजिशन, आपके सेपरेट लेयर ऑफ ट्रांजिशन को क्रिएट करता है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, ये इतना सारा कुछ तो लेके आएंगे ही, साथ में आपको बता दूं ये हाईर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो आपको मैंने बताया था जब फैब्रिक को इंट्रोड्यूस कराया था IBM ने, इसी कारण से इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, हाईर परफॉर्मेंस हो, स्केलेबिलिटी हो। अब जो फ्रेमवर्क, जो इसका फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट हुआ है, किसमें हुआ? गो में। ठीक है, पर गो में इम्प्लीमेंट इसका फ्रेमवर्क हुआ है और मतलब बनाया गया है, बिल्ड किया गया है, तो इसी इसके कारण इसको मोस्टली प्रेफर किया जाता है गो लैंग्वेज को। पर बेसिकली इस हम जो जब काम करते हैं तो इसको गो, जावा, जावास्क्रिप्ट सब में काम कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब जो फैब्रिक 2.0 कब आया, 2020 में आया था जनवरी में। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या था? फास्टर ट्रांजेक्शन अपडेट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्ट, स्मार्ट कॉन्टेक्ट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रीमलाइन डेटा सेट। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो चलिए पैसे मैं एक बार पढ़कर बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द हाइपरलेजर फैब्रिक हैज मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर टू एनरोल मेंबर्स इनटू अ परमिशन नेटवर्क। ठीक है, पहला ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। इट आल्सो ऑफर द एबिलिटी टू क्रिएट चैनल अलाउंग अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, बहुत ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को अलाउ कर सकते हैं क्रिएट अ सेपरेट लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अपने खुद की एक सेपरेट लेजर ट्रांजेक्शन को क्रिएट भी कर सकते हैं। द फैब्रिक 2.0 वाज रिलीज इन जनवरी 2020, आपके जनवरी 2020 में इसको रिलीज किया था। द मेन फीचर, इसका मेन फीचर क्या था? फास्टर ट्रांजेक्शन था, अपडेट स्मार्ट कॉन्टेक्ट टेक्नोलॉजी थी, स्ट्रीमलाइन डेटा सेविंग था। द फ्रेमवर्क इज इम्प्लीमेंटेड इन गो, जो आपका फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, में काम किया जा सकता है गो, जावा, जावास्क्रिप्ट, बट फैब्रिक इज बिल्ट इन गो, गो लैंग्वेज, सो मोस्टली प्रिफर गो। ठीक, इट प्रोवाइड हायर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। ये चीज मैं अगर आपको बताई तो बेनिफिट क्या है हाइपर लेजर फैब्रिक के, तो आपको बता दूं, डाटा प्रोटेक्शन एंड कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन, नो क्रिप्टो करेंसी, प्रोग्रामेबल। ये चीजों के बारे में आपको अगली वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है, जिससे वो भी ब्लॉकचेन के बारे में आपकी इतनी नॉलेज रख सकें और उनको बहुत सारी जगह पर सर्च ना करना पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।